इंडिया क्या कर रहा है और हमारे जाहिलों को देखो। ये कह रहे हैं हम रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे, जो इंडिया करेगा हम करेंगे, जाओ कूद जाओ समुंदर के अंदर। जो इंडिया कर, फिर आजादी क्यों ली थी अगर जो इंडिया, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे क्योंकि इंडिया खरीद रहा है रशिया से पेट्रोल। जो इंडिया कर रहा है वो कर लो, तुम लोग भी कर लो सब, जाहिल स्टेपिड लोग। जो इंडिया कर रहा है वो हम भी करेंगे, हम भी रशिया से पेट्रोल खरीदेंगे, जाहिल स्टूपिड। वहां चाइना के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, सीपेक के पीछे लग के बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। जो इंडिया करेगा हम भी करेंगे, जो किताब इंडिया पढ़ेगा हम भी पढ़ेंगे। पाकिस्तान आजाद क्यों करवाया अगर हर वो काम करना है जो इंडिया ने करना है तो। भारत ने अपना दिफाई बजट एक बार फिर बढ़ा दिया, इस खित्ते में ताकत का अदम तवाजन है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में जब हमारे मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान किस तरफ जाएगा? हिंदुस्तान इस वक्त 70 बिलियन डॉलर खर्च रहा है अपने डिफेंस पे, और हम क्या करते हैं, हम 10 बिलियन, वो 70 और हम 10। कैसे मुकाबला करेंगे? दो रास्ते हैं, मांगते रहो, कब तक मांगते रहेंगे, और जब मांगेंगे तो शरारत भी लगेंगी। कर्ज पे रहने वाला मुल्क कब तक जिंदा रहेगा? इंडिया 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 इंडिया, फॉरगेट अबाउट इंडिया। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया कहां जा रहा है, इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया तेल खरीद रहा है रशिया से, हम भी रशिया से तेल खरीदेंगे। कौन सा मुल्क डेवलपमेंट के लिहाज से ज्यादा आगे है, इंडिया या पाकिस्तान? आई गेस इंडिया, मुझे भी इंडिया लगता है। मेरा जहाँ तक ख्याल है इंडिया डेवलपमेंट ज्यादा मतलब के आगे है पाकिस्तान से। इंडिया है सबसे ज्यादा। इंडिया ऑब्वियसली इंडिया ज्यादा आगे है। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान आगे है क्योंकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है, हम उसको कभी भी डेवलपमेंट के लिहाज से आगे नहीं आने देंगे। ये आप दुश्मनी निकाल रहे हैं या हकीकत यही है? नहीं, हकीकत तो इसके बरक्स है। असल में अगर हकीकत में जाए तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। वजह नजर आती पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया इंडिया से? लोगों का कंसर्न नहीं है आईटी बेस्ड पे। यहाँ पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही जो है मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, इस आईटी में लोग इतना ज़्यादा अपना जो है शौक डेवलप नहीं करते। लेकिन इंडिया में चूंकि आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, आईटी के बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं, इस वजह से जो है इंडिया में लोगों में कंसर्न ज़्यादा पैदा होते हैं, उनमें शौक ज़्यादा पैदा होता है। वो देखो आसमान में क्या है, अरे ये इतनी तेज़ रफ्तार, ये क्या चीज़ है जो चांद की तरफ जा रही है, गौर से देखो ज़रा। अरे ये तो US डॉलर है और ये तो ऊपर ही ऊपर जाया जा रहा है। US डॉलर काबू से बाहर इसलिए हुआ है क्योंकि हमने गलत पंगा गलत टाइम पे गलत बंदे से ले लिया और वो अब हमें भारी पड़ रहा है। देखिए नाजरीन, ये चीजें सुनने में अच्छी लगती हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, हमने दुनिया को ये कह दिया, हमने उनको यूं कह दिया, हमने उनको कहा तुमसे बात नहीं करते। व्लादिमीर पुतिन के दिल में जो आग है ना तुम्हारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तुमने उनका मुल्क तोड़ा है, उनसे जाके बोल रहे हैं वो हमारा भला चाहेंगे, भला नहीं चाहेंगे। उनके पास जो है ना 13 नंबर का छितर है, वो पाकिस्तान को वो लगाएंगे अगर हम उनसे तेल खरीदेंगे या कुछ और खरीदने जाएंगे। रशिया के हमारे से पूरी पुरानी जिद है यार, हमने उनका मुल्क बर्बाद किया, आप क्या बात कर रहे हो, हमने उनका मुल्क तोड़ा है, सोवियत यूनियन को तबाह किया पाकिस्तान ने यार, एक अकेले हम लोगों ने तबाह किया है। हमारे जोरी हथियार यहां पर इसलिए बडबेर एयरबोस के अंदर F-16 में लगे हुए थे, F-16 अमेरिका ने इसलिए दिए थे कि कल जाके रशिया पे हमला करना, जिस मुल्क पे हमला करने के लिए तैयार जोरी हथियारों के साथ, उसको कह रहे हैं हम दोस्ती करेंगे हम, यानी एक कोई वो वही चक्कर है ना, तू नहीं और सही, एक गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो दूसरी गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। अमेरिका तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तू अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है, अब हम रशिया गर्लफ्रेंड के पास चले जाएंगे। इमरान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस से रियायती तेल खरीदने के लिए भारत की फिर एक बार प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार एक स्वतंत्र विदेशी नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेतृत्व वाली सरकार पर बिना सिर वाले मुर्गे की तरह अर्थव्यवस्था के लिए फटकार लगाई। उन्होंने कल मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की घोषणा की सराहना की। क्वाड का हिस्सा होने के बावजूद भारत ने अमेरिकी दबाव से खुद को अलग रखा और जनता को राहत देने के लिए रियायती रूसी तेल खरीदा। भारत ने वही किया जो हमारी सरकार एक स्वतंत्र विदेशी नीति की मदद से इसे हासिल करने के लिए काम कर रही थी। पाकिस्तान में नई सरकार के गठने के बाद इस्लामाबाद ने मंगलवार को नई दिल्ली में एक व्यापार मंत्री की नियुक्ति की मंजूरी दे दी। बता दें कि 2019 के अंत में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापार समाप्त कर दिए थे।
लेकिन अब पाकिस्तान का यह ताज़ा कदम भारत के साथ व्यापार बहाल करने के लिए गठबंधन सरकार के झुकाव का संकेत देता है। खबरें हैं कि भारत के साथ व्यापार को दोबारा शुरू करने के लिए नई दिल्ली में कमर जमान को नया व्यापार मंत्री नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भारत के साथ व्यापार शुरू करने के खिलाफ थे। शहबाज सरकार के इस फैसले पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान भड़क गए हैं और उन्होंने भारत से सीख लेने की सलाह दी है। इमरान खान ने कहा, देश ने आयातित सरकार की विदेशी मालिकों के सामने गुलामी की कीमत चुकानी शुरू कर दी है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 20 या 30 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी शुरू कर दी है। यह हमारे इतिहास में एक बार की गई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इस अक्षम और असंवेदनशील सरकार ने हमारी रूस से 30% सस्ते कच्चे तेल की डील को आगे नहीं बढ़ाया। पूर्व पाकिस्तानी पीएम ने कहा, इससे उलट भारत जो अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी देश है, उसने रूस से सस्ता तेल खरीदकर 25 पाकिस्तानी रुपए दाम घटा दिए हैं। अब हमारा देश महंगाई के एक और बड़े डोज का सामना कर